गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है येट अनदर मीशो कुर्ती सेट हॉल। सो आज मैं थोड़े फेस्टिवल के हिसाब से ड्रेसेस ऑर्डर करे हैं एंड आई होप आपको मेरा कलेक्शन पसंद आए। मैं जल्द ही एक रक्षाबंधन लुकबुक रेडी करने वाली हूँ एंड आई होप आप मेरे फेस्टिवल सीरीज लुकबुक्स मेकअप लुक्स पसंद कर रहे हो और मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड आई होप आपको मेरा ये कलेक्शन भी उतना ही पसंद आए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट जो पंजाबी सेट है वो है ये बॉटल ग्रीन कलर का। इस पे दुपट्टा नहीं आता, ये कुर्ती एंड पैंट्स का सेट है एंड ये ऐसे है कुछ। इस पे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करी गई है, थोड़े शैम्पेन गोल्ड कलर में है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। एंड इसका जो नेक है वो नॉर्मल राउंड नेक है, पीछे बिल्कुल भी कोई नेक नहीं है। एंड ये इसके स्लीव्स है, ये स्लीव्स मुझे थोड़े से छोटे होते हैं बट विच इज फाइन, आई एम ओके विद दिस। एंड इसके जो बॉर्डर है वो भी बहुत प्रिटी सेम शैम्पेन गोल्ड कलर में है बट ये यहाँ पे थोड़ा सा डेंस वर्क किया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज इसकी जो स्लिट है वो साइड स्लिट है, तो आपको ट्राई हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये जो नीचे का पार्ट है उसमें राइट साइड पे आपको ये स्लिट मिलता है, उसके वजह से जो नीचे के पैंट्स वो बहुत खुल के दिखते हैं। बट स्पीकिंग अबाउट द कुर्ता, यहाँ पे नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा बॉर्डर्स नहीं है, सो नीचे पूरा भी प्लेन है, आपको ट्रायल में ज्यादा बेटर दिखेगा। एंड इसके नीचे के पैंट्स है जो इलास्टिक पैंट्स है, नॉर्मल रेयॉन कॉटन फैब्रिक है एंड एंड्स में सेम जो आपको स्लीव में मिला था वो सेम वर्क किया गया है। इसके जो ऊपर का जो मटेरियल है आई थिंक ये पॉलिएस्टर है। दिस इज वन नेगेटिव थिंग अबाउट दिस ड्रेस बट अदरवाइज इसका जो लुक है वो बहुत ही प्रिटी आ रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कलर, बॉटल ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सारे ड्रेसेस की जो प्राइजेस है, मेरी साइज है, जो मैंने साइज ऑर्डर की थी, वो सब कुछ लिंक कर दूंगी, सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी। सो अगेन स्पीकिंग अबाउट दिस ड्रेस, जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करी है बिकॉज उससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी एंड विच डिड नॉट टर्न अप एज आई थॉट, विच इज दिस वन। ये कुछ थोड़ी सी लैवेंडर मॉव पिंक कलर के टोन में है एंड इसकी जो स्पेगेटी स्लीव्स, इसकी स्पेगेटी स्लीव्स है एंड ये ऐसे है। पूरा इस पे सीक्वेंस एंड थोड़े से सिल्वर थ्रेड्स का वर्क किया गया है। बाहर नेट का कपड़ा है, अंदर लाइनिंग, ये पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मटेरियल है एंड नीचे आपको बॉर्डर में अगेन थ्रेड वर्क मिलता है, फ्लोरल थ्रेड वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट एक गलती मेरी सी भी हुई है, मैंने चेक नहीं किया कि ये फ्री साइज में अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स यू नो इस पे ये बहुत ही बड़ा है। सेकेंड थिंग इज ये जो आप बॉडीज देख सकते हो ना, इसका जो बॉडीज एज इन जो ऊपर का पार्ट होता है वो बहुत ही बड़ा है एंड ये एक शरारा लुक के लिए पहनना है। सो इसका जो कुर्ता है, ये टॉप है, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट वो अनारकली लुक देता है बट नॉट इन अ वेरी गुड सेंस, क्योंकि इसका बॉडीज बहुत बड़ा है, वो बहुत ही नीचे तक आता है एंड इसका अगेन ये जो नीचे का कुर्ती है, नीचे का जो पार्ट है वो अगेन बहुत बड़ा है। सो वो जो शॉर्ट होना चाहिए, यू नो शरारा पे हमें शॉर्ट कुर्तीज अच्छी लगेंगी बिकॉज आपका जो शरारा का लुक है वो एनहांस होगा बट दिस इज डेफिनेटली नॉट दैट वन। आई नो मेरी साइज छोटी है, बाय द वे माय साइज इज 5 feet बट आई थिंक ये जो मेरे से भी टॉलर गर्ल्स है उन्हें भी शरारा का लुक नहीं देगा। स्पीकिंग अबाउट इट्स पैंट, जैसे मैंने कहा ये शरारा पैंट्स है, ये पैंट भी बाहर से नेट की लाइनिंग है, अंदर सेम पॉलिएस्टर मटीरियल है जो कुर्ती में है एंड ये इलास्टिक है यहाँ पे एंड नीचे एज आई सेड इट इज शरारा, ऐसे आपको मिल जाएगा ये एंड सेम यू नो डिजाइन करी गई है इसके नीचे भी। सबसे बुरी बात मुझे इस पूरे ड्रेस में लगी ये जो उन्होंने लेस लगाई है, बहुत ही चीप वन। सेकेंड बहुत ही मिसमैच्ड, मतलब कहीं पे भी इसका और वो ड्रेस का मिलन ही नहीं हो रहा है, सो वेरी बैड। सो अगेन वन मोर नेगेटिव। सो ये कुछ ऐसी दिखती है इसकी लेस, आपको सबको ट्राई ऑन हॉल में इसका लुक पता चल ही जाएगा। एंड अगेन इसके अंदर एक दुपट्टा भी मिलता है जो अगेन सेम वही टैकी लेस से है कवर्ड, चारों साइड पे है, हाँ चारों साइड पे कवर्ड है एंड इस पे ऐसे हल्का सा शिमरी एंड पर्ल वर्क करा गया है। ऑल इन ऑल अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट विद दिस ड्रेस। द नेक्स्ट ड्रेस इज समथिंग विच इज वेरी ट्रेंडिंग इन मीशो, आपने बहुत बार ये मीशो पे देखा होगा,
ये है ये क्रीम कलर ड्रेस, सो ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। अगर आपको ओवर द टॉप नहीं या ज्यादा जिग-पिग नहीं चाहिए तो ये आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक देगा। ये कुछ सैटिन मटेरियल का है ऐसे है, एंड इसके जो सामने है नेक है वो कुछ ऐसा है जहां पे आपको ये दो पर्ल्स मिलेंगी, एंड ये फुल स्लीव आता है। बस प्रॉब्लम ये कि थोड़ा सा बड़ा है विच इज गुड बिकॉज ये हमको चुन्नी वाला फील दे सकता है, पर यहाँ पे कोई प्रेस बटन ये सब कुछ है नहीं जो आपको ना टाइट यहाँ पे फिक्स करा दे, तो आई थिंक ये आप आपके लोकल टेलर से लगवा सकते हो क्योंकि इसका लुक उसके बाद बहुत सुंदर आएगा। एंड ये अगेन लॉन्ग स्ट्रेट है, बिल्कुल ही प्लेन है, इस पे कोई भी और वर्क नहीं है, जस्ट ये नेक पे थोड़ा सा दो मोतियों का वर्क है, दैट्स इट। एंड नीचे पैंट्स है जो कुछ ऐसी है, अगर ऐसे ड्रेसेस के नैरो लेंथ होता, नैरो विड्थ होता ना इसके पैंट्स का, तो ये लुक बहुत ही सुंदर आता। ऑफकोर्स आप अगेन ये ऑल्टर करा सकते हो, पर कैसा है ना, हम इतने पैसे पे करते हर एक चीज ऑल्टर करेंगे तो कैसे चलेगा। एंड द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज इधर आपको नाड़ा बांधना पड़ेगा, आई हेट इट बिकॉज यहाँ पे ना फिर बहुत चुन्नी चुन्नी आ जाती है। अगर इसको इलास्टिक होता तो वो थोड़ा सा बेहतर होता, बट ये अगेन दिस इज प्लेन सेम सैटिन काइंड ऑफ मटेरियल which the kurta has, and the plus point of this dress is the odini. So odini ye beech ka jo part hota hai wo same cream color mein hai, iske jo ends hai wo kuch aise hai, to yahan pe na neon pink ka ombre effect diya gaya hai using these frills, to yahan pe na ise frills ka jo लेस है ना वो लगाया गया है यानी ओम्ब्रे पैटर्न में, तो लाइट पिंक से लेके डार्क नियॉन पिंक तक जाता है, सो दिस गिव्स दैट यू नो अप लिफ्ट टू दिस एंटायर ड्रेस। सो जैसे मैंने कहा था कि ये ड्रेस काफी सिंपल है पूरा, सिर्फ दिस इज द यू नो यूएसपी ऑफ दिस ड्रेस। अगर आपको ये नहीं लेना है आई थिंक आप इस पे कोई भी ओढ़नी पेयर अप कर सकते हो, टू अप द लुक टू डाउन द लुक और यू नो एकदम म्यूटेड लुक के लिए। सो आई थिंक दिस इज वन ड्रेस विच यू कैन पेयर इन अ वर्सेटाइल मैनर। द नेक्स्ट ड्रेस इज अगेन समथिंग विच यू विल फाइंड अ लॉट ऑन मीशो। मीशो पे मैंने जब जब शॉपिंग करी तब तब मुझे ये ड्रेस दिखा ही है, सो मैंने सोचा कि लेट इज बाय एंड सी कि कैसा है। सो ये कुछ ऐसा है, आई एम श्योर आपको पिक्चर से पता चल गया मैं किस ड्रेस की बात कर रही हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा इसमें साइजेस थे भी कि मैंने फ्री साइज मंगाया था, बट जो भी है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। इसका जो टॉप है कुछ ऐसा है, इसमें बहुत मिनिमल पर्ल एंड थ्रेड वर्क किया गया है, कुछ जो कुछ ऐसे दिखता है। एंड इसका जो स्लीव्स है वो क्वार्टर नहीं है, जो हमारे एल्बोज तक आता है वो वाला स्लीव्स है, एंड अगेन इट हैज सम गोल्डन काइंड ऑफ वर्क थ्रेड वर्क। अगेन ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे लिए, इसको मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा विच इज फाइन। थोड़ा सा ना शोल्डर मुझे ड्रॉप होते हुए दिख रहा है विच आई डोंट लाइक इन माई ड्रेसेस। अगर ड्रेसेस पहनते हो तो वो स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, अदर देन दीज यू नो कूल जो चिकनकारी है वो ठीक है, बट ऐसे काइंड ऑफ ड्रेसेस ना थोड़े स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली फिटेड अच्छे लगते हैं। एंड अगेन ये ड्रेस है जो सामने से स्लिट प्रोवाइड करता है मिडिल में, कुछ ऐसे आपको ऑफकोर्स ट्रायन हॉल में दिख जाएगा, एंड नीचे का पार्ट ट्रांसपेरेंट है। सो मुझे क्या लग रहा था कि अपर बॉडीज यहां तक आ जाएगा एंड उसके बाद ना हल्का सा ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा मेरे पैंट स्टार्ट होने के पहले, बट अगेन ये मेरे लिए काफी बड़ा है, तो आई थिंक शायद से मैंने साइज में गलती करी या था ही फ्री साइज, आई एम नॉट श्योर। ओके आई एम नॉट श्योर, सो मुझे ऑफकोर्स ये अगेन ऑल्टर कराना पड़ेगा। इसके पैंट्स भी बहुत अच्छी है, सेम टोन में है ब्लू टोन, एंड नीचे से ना जैसे स्लीव पे वर्क था ना वैसे ही वर्क करा गया है, नॉट वेरी नैरो नॉट वेरी विथ, एकदम प्रॉपर विथ की पैंट्स है ये। एंड इसके साथ आपको प्लेन सी ओढ़नी मिलेगी, इस पे ओढ़नी में कुछ भी वर्क नहीं किया गया है, ना कोई बॉर्डर दी गई है, सो ये प्लेन सी ओढ़नी है। सो जो नेक्स्ट ड्रेस है वो वन ऑफ द मिंत्रा के ब्रांड से है, मिंत्रा पे आपने एक ब्रांड देखा रहेगा जनस्या नाम का, सो वहीं से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर करा है। सो एक हैक ये है कि अगर आप मिंत्रा या अमेजोन से शॉप करते हो तो एक बार पहले मीशो पे देख लीजिएगा, कुछ कुछ ब्रांड्स कॉमन है, एंड एक बात अच्छी है कि मीशो पे उसकी प्राइस कम है, सो आपको एक एडवांटेज हो जाएगा। सो स्पीकिंग अबाउट द ड्रेस, दिस इज दिस ब्यूटिफुल टीम कलर, आई एम मच इनटू दीज काइंड ऑफ डिफरेंट कलर्स दीज डेज, यू नो आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट हियर एंड देयर, बट या कमिंग बैक टू दिस ड्रेस, दिस इज अ ब्यूटिफुल टील ड्रेस, बहुत ही प्यारा हल्का सा वर्क किया गया है,
एंड ये आई थिंक सिल्क मटेरियल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मटेरियल, बट ये जो है, जो भी मटेरियल है, काफी सूदिंग है आपकी स्किन के लिए, गर्म ज्यादा नहीं होता है, इसमें ज्यादा कुछ गर्म बरम नहीं होता है. जो स्लीव्स है वो ऐसी है, 3/4 स्लीव्स है, एंड बहुत ही नैरोस आपको ये लेस मिलेगा यहाँ पे, एंड बाकी पूरे कुर्ती पे सेम वर्क किया गया है, इवन बॉटम पे आपको सेम पतली सी वो लेस मिल जाएगी. एंड साथ में आपको वाइड लेग्स प्लाजो पैंट मिल जाएंगी आपके, काफी वाइड है. इसके ऊपर डिजाइन आप देख सकते हो, सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर शेड कॉम्बिनेशन है, बट डिजाइन डिफरेंट है. सो सी, दिस इज द वाइड थिंग व्हिच आई वाज सेइंग, बहुत ही ज्यादा वाइड है, एंड ये अगेन इलास्टिक है विच आई लव. एंड इसके साथ आपको ये कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा मिलता है, ये पीच, थोड़ा सा डार्क पीच कलर में है, थोड़ा सा पुराना लग रहा है क्योंकि जो इस पे वर्क भी है ना गोल्डन, वो बहुत उठ के नहीं दिख रहा है, जिसे आप देख सकते हो क्लोजअप में, अगर ये मैं उल्टा दिखा रही तो सॉरी. सो या, एंड ये सिंपल नॉर्मल दुपट्टा है, जस्ट ये स्टील एंड डार्क पीच का अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, तो दिस इज अ वेरी गुड फेस्टिवल बाय, आई मस्ट से. द नेक्स्ट ड्रेस इज अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट. मैंने जब फोटो में देखा था, मुझे लगा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, वेल यू नो, क्रिस्प कॉटन काइंड ऑफ ड्रेस रहेगा एंड अनारकली ड्रेस रहेगा, पर ये निकला कुछ ऐसे. ऑफकोर्स ये कॉटन है, बट बड़ा ही रेगुलर वेयर लग रहा है, कोई भी एंगल से जो मैंने प्राइस पे किया है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है. सो इट इज दिस ड्रेस, ऐसे इसका स्लीव्स पे थोड़ा सा मिंट ग्रीन कलर का लेस है, प्लेन बॉर्डर है, एंड ये ओवरऑल ड्रेस में सिर्फ प्रिंट है, इस पे कोई वर्क नहीं है. एंड इसके जो एंड्स है कुछ ऐसे है, ऐसे जो शेप होता ना वो वाला है, मुझे ऐसा शेप बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ हाइट में, तो मुझे ये ज्यादा नहीं पसंद. तो आई एम थिंकिंग ऑफ कटिंग दिस ऑफ एंड मेकिंग दिस जस्ट प्लेन अनारकली ड्रेस. इसके जो पैंट्स है वो कुछ ऐसे है, पैंट्स मुझे इसके काफी अच्छे लगे, यू नो, छोटू सा वाइड नैरो सा उसका विड्थ है एंड इलास्टिक है, ब्यूटिफुल परफेक्ट समरी पैंट्स. द मेन एंड द मोस्ट हिलेरियस थिंग अबाउट दिस ड्रेस इज दिस दुपट्टा. आई मीन क्या, मतलब क्या करें हम इस दुपट्टे का. अगर आप पिक्चर में देखोगे तो ये दुपट्टा ऐसा नहीं है जैसे हमें रिसीव हुआ है, मतलब ये दुपट्टा शुरू होते ही खत्म हो रहा है, एक तो ऐसे इतना सा ही है ये दुपट्टा अगर आप देख पाओगे. एंड ये स्कार्फ है एक्चुअली, दिस इज नॉट अ दुपट्टा, दिस इज स्कार्फ. बट ऐसे ड्रेसेस पे ना आई थिंक ये दुपट्टा अगर प्रॉपर फुल लेंथ होता तो बहुत सुंदर दिखता, बट आई डोंट नो, ये कॉम्बिनेशन मुझे तो नहीं पसंद आया. ऑफकोर्स कलर कॉम्बिनेशन इज ब्यूटिफुल, उसी के लिए मैंने ये ड्रेस खरीदा था, पर जो ये स्कार्फ कॉम्बिनेशन अगर ये चाहते हम पहने तो आई एम नॉट इन टू दैट बिल्कुल भी. एंड द लास्ट वन इज दिस चिकनकारी ड्रेस. आई लव 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 चिकनकारीज एंड आई मेक श्योर टू बाई एटलीस्ट वन वाइल यू नो बाइंग समथिंग फॉर हॉल. एंड वन विच आई बॉट इज दिस पिंक चिकनकारी. अब चिकनकारी ड्रेसेस में ना प्रॉब्लम क्या होती है ना साइजेस की, आप बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे. अगर आप पेटीट साइज में हो, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइजेस में होते हो ना, तो आपके लिए ना चिकनकारी बहुत कम साइजेस होती है जो अवेलेबल हो जाती है इजीली. अगर अवेलेबल होंगी तो भी ना, आई डोंट नो व्हाई सेलर्स डोंट सेंड इट प्रॉपरली. जैसे मेरा जो ये ऊपर का है ना वो 38 साइज में मिल रहा है एंड जो अंदर का इनर है वो 40 साइज का है. आई डोंट नो व्हाई बट ऐसे मुझे मिल रिसीव हुआ है. एंड अगेन ऑफकोर्स ये थोड़ा सा लूज एंड दैट्स, आई नो दैट्स हाउ योर चिकनकारी ड्रेसेस शुड बी, पर मुझे ना इतना लूज नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा ना टाइट ही पसंद है. बट नॉट टू टाइट फॉर चिकनकारीज, बट इसका ना थोड़ा सा ना 19-20 हो ही जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम सेलर से व्हाइट या पिंक या रेड मंगाऊ ना, तो मुझे तीनों अलग अलग कलर्स में आएगा, अलग अलग साइजेस में आएगा, इवन तो मैंने सेम साइजेस मंगाया सबके लिए. सो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखा है चिकनकारी में. बट अगेन द सेकेंड थिंग इज, मैंने इसमें लाइट पिंक कलर मंगाया था बट आया है मुझे डार्क पिंक. दिस इज द सेकेंड टाइम दिस थिंग इज हैपन टू मी. इसके पहले मैंने येलो कलर का मंगाया था जिसमें मुझे ऑरेंजिश कलर का आया था. सो अगेन यू नो दिस इज अ हिट एंड मिस, बट अगर आपको सही कलर मिल रहा है तो यू विल बी इन लव विद दीज कुर्तीज. बहुत ही प्यारी डिजाइन होती है, बड़े ही सटल दिखते हैं. ये चिकनकारी कुर्ताज को आप ऐसे अप एंड ऐसे डाउन कर सकते हो बिकॉज जस्ट वेयर ब्यूटिफुल चंकी बोहेमियन ज्वेलरीज एंड यू आर फेस्टिव रेडी. एंड अगर आपको नॉर्मल डेली वेयर या कॉलेज वेयर या वर्क के लिए पहनना है तो बस सिंपल से छोटे से सिल्वर इयर रिंग्स पहन लीजिए, थोड़ा सा कुछ चेन वेन
पहन लीजिए एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू रॉक योर डेली यू नो नॉर्मल लुक. So yep, that is why I love these chikankari dresses. So you should have one in your collection. And that's it for this haul, guys. I know ये haul बहुत लंबा नहीं था as मेरे बाकी के hauls, but I hope आपको इसमें मजा आया होगा and बहुत कुछ inspiration मिला होगा. And I hope जो आपको चाहिए था dress वो मैंने आज इस haul में दिखाया है. अगर आपकी कुछ suggestion है, कुछ recommendation है, please मुझे नीचे comment box में लिख दीजिए. I will try to include your recommendation in my next haul. And till then, please subscribe to my channel. Give our channel your love, your blessings, and keep supporting us. Thank you. Bye. Take care.